तो फाइनली गाइस आज के भी वीडियो में सबके लिए बात करने वाला हूँ वीवो वाई 100 5G मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक कैसे यूज करेंगे। जेंट्स तो अगर आप इस मोबाइल में अपने डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक को यूज करना तो एकदम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो कैसे करना होगा चलिए इस वीडियो में बता देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइस इसको करने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल के सेटिंग में। सेटिंग में आएंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करना है तो आपके यहाँ पर सिक्योरिटी का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको डिवाइस सिक्योरिटी मिलेगा, तो आपके पर वो मिलता है आपको चार ऑप्शन। पहले मिलेगा आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस एंड स्मार्ट लॉक। आपको फिंगरप्रिंट लगाना है तो आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपने पहले से कोई भी पिन बनाकर, पिन हो या पासवर्ड हो या पैटर्न हो, कोई भी हो, उसको अगर बना के रखा है तो ठीक है, इसको ओपन कर लीजिएगा। नहीं बनाए हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप अपने मोबाइल में सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने इसको पहले से ऑलरेडी यहाँ पर पैटर्न लगा के रखा हूँ, मछली मैं इस पैटर्न को ऑन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इस पैटर्न को ऑन कर लिया हूँ। ऑन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सेट अप योर फिंगरप्रिंट, तो अब आपको यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक आइकन शो होगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है, तो आप इसको इसको फिल कर लेना है। चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ, तो आप भी एकदम सिंपल तरीके इसको फिल कर लीजिएगा। सो गाइज मैंने इसको फिल कर लिया हूँ। अब फिल करेंगे तो अब आपको यहाँ पर डन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एडेड हो चुका है। मैं यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट को यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, तो मैं इसको डन कर लेता हूँ। अब डन करेंगे तो आपके मोबाइल पर जो है फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है, डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट लॉक लग चुका है। एंड यहाँ पर चाहते और फिंगरप्रिंट को ऐड करना है, तो आप ऐसे ऐड फिंगरप्रिंट पर क्लिक करके ऐप से और भी फिंगरप्रिंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लिए बाय बाय।